हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अवयान आईएएस एकेडमी। आई एम अक्षता गर्ग, योर फैकल्टी फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, एंड हम पढ़ रहे हैं द सीरीज फ्रॉम एचआरएम। हमने अब तक जो कवर किया है, वी हैव कवर्ड द मोटिवेशन थ्योरीज एंड वी नो हमें ब्रॉडली कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज में हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉन्टेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज। हमने इससे आने वाली दो पहली वीडियोस में कवर किया था कि हमारी कौन से टाइप्स ऑफ कंटेंट थ्योरीज होती हैं, कंटेंट मॉडल होता है, जिसमें कि हमने वी स्टडीड द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, एल्डिफोस ईआरजी थ्योरी एंड द अदर टू थ्योरीज गिवन बाय द प्रोपाउंडर्स। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कि हमारी प्रोसेस मॉडल कौन सा होता है अंडर मोटिवेशन थ्योरीज। सो पहली वीडियोस में जैसे कि हमने देखा कि थ्योरीज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कंटेंट एंड प्रोसेस। कंटेंट में हमने देखा था कि हमने मोटिवेशंस को एम्प्लॉयज की नीड्स के बेसिस पे, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक नीड्स के बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया था। द थ्योरीज ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की, द थ्योरी ऑफ एल्डर्स, हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, मैकलन थ्योरी ऑफ नीड। सो इन सब थ्योरीज को हमने नीड के बेसिस पे डिवाइड किया था। बट हमारा जब प्रोसेस मॉडल की बात आती है तो हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं विच आर अदर देन नीड, राइट? हम बात करते हैं दैट व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अदर देन नीड जो कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, राइट? सो आज हम पढ़ने वाले हैं, इन वन गो वी आर गोइंग टू स्टडी फोर ऑफ द मॉडल्स एंड थ्योरीज फ्रॉम मोटिवेशन, दैट इज व्रोम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सेकेंड वी हैव एडम्स इक्विटी थ्योरी, थर्ड वी हैव गोल सेटिंग थ्योरी एंड फोर्थ वी हैव द री एनफोर्समेंट थ्योरी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो अलोंग नोइंग द प्रोपाउंडर्स ऑफ देम। सो इसमें हमारे हैं विक्टर व्रोम, गोल सेटिंग थ्योरी इज गिवन बाय लॉकी, रीइन्फोर्समेंट थ्योरी हैज बीन गिवन बाय बी एफ स्किनर, एंड लास्टली एज वी नो दिस इज गिवन बाय एडम, द फुल नेम इज जॉन स्टेसी एडम, राइट? सो व्हाई आई एम टेलिंग यू द प्रोपाउंडर, बिकॉज एनटीए यूजी सीनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नोइंग द ऑथर्स एंड प्रोपाउंडर्स ऑफ द पर्टिकुलर थ्योरी बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द प्रोपाउंडर्स ऑफ द थ्योरी, आस्किंग यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोपाउंडर्स एंड विल आस्क यू टू हैव अ करेक्ट मैच, राइट? सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे प्रोसेस मॉडल में ये जो चार हमने थ्योरीज ली हैं, सो व्हाट डज वी मीन बाय ऑल ऑफ देम। सबसे पहले हमारी आती है व्रोम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, राइट? सो आई विल टेक यू टू दिस थ्योरी। बेसिकली इस थ्योरी में क्या होता है, वी हैव मोटिवेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंड वी डिफाइन इट बाय थ्री थिंग्स, वी हैव एक्सपेक्टेंसी, we have instrumentality and third we have valence, right? So इस मॉडल में विक्टर व्रोम ने किस चीज पे एम्फेसाइज किया है, उन्होंने कहा है कि देयर इज यू नो सम एफर्ट्स, एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है दैट इफ दे पुट इन सम एफर्ट्स दैट विल टेक देम टूवर्ड्स द रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आउटकम, राइट? सो ये एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इफ दे पुट द राइट एफर्ट्स, अगर वो किसी चीज में अपने राइट एफर्ट्स करते हैं, राइट एफर्ट्स दे पुट इन, सो इट विल टेक देम टू द डिजायर्ड आउटपुट, राइट? देन आता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी का क्या मतलब क्या है कि बिकॉज द एम्प्लॉय इज पुटिंग हिज परफॉर्मेंस, राइट, ही विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज वॉट द डिजायर्ड आउटकम, ऑफकोर्स रिवॉर्ड इज वॉट दैट ही गेट्स आफ्टर कंप्लीटिंग दैट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, राइट? एंड वैलियंस क्या है, वैलियंस इज बेसिकली द इमोशनल वैल्यू, द इमोशनल कोशेंट अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर रिवॉर्ड, राइट? तो इस थ्योरी में, व्रोम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, विक्टर व्रोम ने क्या कहा था, दैट इफ वी हैव दिस फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इनटू वैलियंस, सो दिस गिव्स एन आइडिया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं एंड इंक्रीजिंग हिज प्रोडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल मोर अबाउट इट,
हमने देखा यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी में, आई टोल्ड दैट एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है कि सर्टेन एफर्ट्स लीड टू द आउटकम, राइट। अगर मैं किसी चीज में एफर्ट्स करूंगी दैट विल लीड टेक मी टूवर्ड्स आउटकम। देन इंस्ट्रूमेंटालिटी में क्या होता है, दैट बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट बिकॉज मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ इट विल डायरेक्ट मी टूवर्ड्स अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम्स, राइट। परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटालिटी में क्या आता है, परफॉर्मेंस विल टेक मी टू द रिवॉर्ड, राइट। बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग, आई एम गिविंग पुटिंग माई एफर्ट्स, आई एम पुटिंग माई परफॉर्मेंस इन टू इट, इट विल टेक मी टू द डिजायर्ड रिवॉर्ड्स, राइट। वैलियंस में क्या आता है, नाउ अंडरस्टैंड, इट इज द इमोशनल वैल्यू ऑफ दैट रिवॉर्ड, राइट। मतलब मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव दैट रिवॉर्ड। अब इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। सो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी, यू व्हाट एक्सपेक्टेंसी यू कीप, व्हाट प्रोबेबल आइडिया दैट अगर आप एफर्ट्स रखते हैं सो प्रोबेबली इट विल टेक यू टू द डिजायर्ड आउटकम ऑफ अचीविंग द सर्टिफिकेशन ऑफ एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, राइट। क्योंकि आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, यू आर पुटिंग योर परफॉर्मेंस इन टू इट, इट विल लीड टू सम रिवॉर्ड, राइट। And then valiance talks about the emotional value. Maybe you want to get a settled life. Maybe you want to achieve, you know, a need for achievement you have. So, jitno bhi aapka emotional value hai attached to that outcome will be valiance, right? I hope that is clear. So, this is the theory given by Victor Vroom, jisme ki jo sabse zyada common question hai jo pucha jata hai, they will ask you the formula for motivation under Vroom Victor's expectancy theory. So this is, do not forget, this is expectancy multiply, instrumentality multiply, valiance, right. Now we will move to another theory, that is Adams equity theory, right. So for Adams equity theory, I told you that this is given by John Stacey and Adam, right. John Stacey Adam. So for this I will give you one diagram that will keep it very clear and simple, right. So this is one diagram jo ki sari cheezon ko at par le aayega. So this is others, this is others, and this is the person, theek hai, individual. I will write it individual, right. So this is input, output, input, output, right. This is weighing machine. So what I mean by this particular diagram, under the Adams equity theory, equity theory as the name suggests, hame ek idea deti hai of the fairness. As an employee, मैं जितने efforts कर रही हूँ, मैं जितने input डाल रही हूँ in terms of competency, abilities, knowledge, skill, everything, मैं जितने भी efforts डाल रही हूँ, right? Whatever inputs I am giving to my job, is it giving me an equal output, right? अगर मान लीजिए हमारा input के comparison में output equal नहीं होता है, this becomes the factor for dissatisfaction, right? मान लीजिए कि मैंने जितना काम किया उसके according मुझे promotion नहीं मिला, don't you think ये मेरे लिए एक dissatisfaction का point हो जाएगा, right? हो जाएगा. So this becomes one case. ठीक है, सेकेंड केस क्या होगा, मेरे इनपुट के हिसाब से, मेरे इनपुट मैंने जितना डाला उसके हिसाब से मुझे आउटपुट भी मिला, आई गॉट माई सैलरी हाइक ऑल्सो, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल मेरा सैलरी हाइक हुआ 1500 का, ठीक है, बट देयर वॉज वन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुझे पता है कि उन्होंने मुझसे कम एफर्ट्स किए, मुझसे कम ही वॉज इन द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, सब कुछ मुझसे कम था, दैट मीन्स कि हिज इनपुट, my input was more than his input, but unka salary increment kitna hua, 3000. So don't you think yahan par bhi inequality aa gayi hai, right? So yahan par jo Adams ki equity theory hai, isme kya baat karte hain John Stacey Adam, he talks ki jahan pe bhi individual level pe employee ko dissatisfaction feel hota hai jab his input and output are not at par.
अगर मान लीजिए उनका उससे वो अगर वो सेटिस्फाइड भी होते हैं, ही मे फील डिससेटिस्फाइड इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट टाइम होता है हम ये सुनते हैं लाइक मेरा प्रमोशन हुआ है दैट इज फाइन, बट उन्होंने मे बी देयर वाज वन क्लीग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका प्रमोशन मुझसे ज्यादा हो गया, उनका सैलरी इंक्रीमेंट मुझसे ज्यादा हो गया, एंड दैट पॉइंट यू फील दैट यू आर बीइंग बायस्ड. वहां फेवरेटिज्म था, बायसनेस था, या मान लीजिए वहाँ यू विल फील दैट यू आर यू वर एट पार्शियलिटी, राइट. सो वहाँ पर बात करी है एडम ने कि यहाँ पर आ जाता है पॉइंट फॉर डिससेटिस्फैक्शन. डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पर आता है वेयर इन यू फील दैट मे बी यू आर नॉट एट पार, और यू फील दैट यू आर नॉट एट पार इन कंपेरिजन टू अदर्स, राइट. सो दिस बिकम्स द अनदर थ्योरी गिवन बाय एडम. नाउ कम्स ऑन टू आवर थर्ड थ्योरी. थर्ड थ्योरी इज गोल सेटिंग थ्योरी. इट इज गिवन बाय द लॉक. इन्होंने क्या कहा है दैट द देर इज अ पर्टिकुलर यू नो द मैनेजर्स दे हैव टू सिट विद द एम्प्लॉयज एंड डिफाइन कि किस तरीके से गोल्स हैज टू बी अचीव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसके लिए पूरा प्लान आउट करना, उसके लिए पूरी सेटिंग्स करना, इन द सेंस गोल्स इनटू ऑब्जेक्टिव्स एंड देन इनटू पॉलिसीज एंड इनटू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देन लुकिंग कि वो गोल्स को हम कैसे अचीव करने वाले हैं, राइट. अगर हमारा एक यू नो एक डेफिनेट पाथ डिफाइन नहीं होता है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वेज रहते हैं, एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट द एम्प्लॉयज फील डिससेटिस्फाइड. या फिर इफ अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच इज नॉट इन्वॉल्व, अ डेमोक्रेटिक अप्रोच इज नॉट इन्वॉल्व, एट दैट पॉइंट ऑल्सो इट इज फेल्ट बाय द एम्प्लॉय दैट दे आर नॉट रिस्पेक्टेड एज एन एम्प्लॉय. सो दिस इज द थर्ड थ्योरी बाय लॉक एज गोल सेटिंग थ्योरी, राइट. Now comes our fourth theory under the process model. This is reinforcement model. So reinforcement model क्या कहता है कि employees basically, so यहाँ पर हमारी चलती है एक तरीके से carrot and stick approach, right? So what do we mean by carrot and stick approach? So carrot and stick में ये कहा जाता है that whether at times to increase a behavior or to decrease a particular behavior हमें डराना पड़ता है या एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देना पड़ता है, राइट. सो अगर हम एम्प्लॉयज को कुछ बिहेवियर को इनहेंस करने के लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं दैट बिकम्स कैरेट, और अगर हम कहीं पर एम्प्लॉयज को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं टू गेट द थिंग्स डन, सो वहां पर आ जाता है स्टिक. एंड इस अप्रोच को हम कलेक्टिवली कहते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, राइट. Now let us understand कि हमारा reinforcement में क्या होता है एंड हाउ दिस कैरेट अप्रोच इज यूटिलाइज्ड. यहां पर हमारा क्या होता है, एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, राइट. हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट. अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या तो कुछ बिहेवियर को इनहेंस किया जाता है, राइट, या फिर किसी बिहेवियर को रिड्यूस किया जाता है, राइट. इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, राइट, दो तरीके से एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, राइट. इसमें या तो उनके बिहेवियर को रीइन्फोर्स किया जाता है पॉजिटिवली ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, या फिर एम्प्लॉयज के मोटिवेशन को के बिहेवियर को नेगेटिवली रीइन्फोर्स किया जाता है ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. सो दिस इज डन नेगेटिवली एंड दिस इज डन पॉजिटिवली. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि अपने देयर वॉज वन पर्सन इन द टीम, ही वॉज परफॉर्मिंग वेरी गुड. मैंने उनसे कहा कि आपका टारगेट बहुत अच्छा चल रहा है, यू आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, आपके सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, आपका प्रमोशन तक होने वाला था, आप ये वाला और टारगेट पूरा कर लीजिए, 100% योर प्रमोशन इज कन्फर्म. So what that employee will do, that employee will get motivated in, you know, in a sense ki he will be rewarded with promotion. Wo apna behavior badhayega towards achieving the target. Theek hai? So target mein objective kya hai hamara? Target, right? फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा एक दूसरा सिनारियो है जिसमें कि एक दूसरा एम्प्लॉय है जिसमें कि द पर्सन इज वेरी गुड, इंटेलिजेंट इनफ, राइट, बट वो बंदा, वो पर्सन, यू नो, डू नॉट मीट द डेडलाइंस, राइट. अगर मान लीजिए आपको काम देना है फर्स्ट को, दैट पर्सन विल सबमिट ऑन थर्ड. मान लीजिए अगर आपको काम देना है फिफ्थ को, दैट पर्सन विल सबमिट ऑन एट्थ.
फॉर एग्जाम्पल आपको काम देना है 11th को, दैट पर्सन विल सबमिट इट ऑन 11th. सो दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट एबल टू मीट द डेडलाइंस ऑन टाइम एंड पंक्चुअलिटी इश्यूज आर देयर, राइट. सो इस केस में क्या होगा, हम उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को अकॉर्डिंगली मोटिवेट करेंगे दैट इफ यू बिकम अ लिटिल पंक्चुअल, बिकॉज आपके काम के डेडलाइंस की वजह से आप अपना प्रोजेक्ट्स खो सकते हैं, आपको यू नो ये हैबिट चेंज करनी होगी, इस वजह से हमारे क्लाइंट्स भी जा सकते हैं, एंड ऐसा भी एक दिन आ सकता है दैट यू मे लूज योर यू नो जॉब. इस केस में कैन यू सी कि हमने ऐसा रीइन्फोर्समेंट करा है कि उस एम्प्लॉय को अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, चेंज इन द सेंस दैट बिहेवियर ऑफ नॉट मीटिंग द डेडलाइंस, राइट. उसको उसे रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि ही कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, राइट. दिस इज कॉल्ड एज री इन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. सो कैन वी सी हम दोनों ही केस में उनको मोटिवेट कर रहे हैं. सो यहाँ पे वी आर डूइंग नेगेटिव मोटिवेशन, राइट, एंड यहाँ पे वी आर डूइंग पॉजिटिव मोटिवेशन, बट दोनों ही केस में वी आर मोटिवेटिंग देम टू attain the objectives, right? So this is the reinforcement theory given by B.F. Skinner. Also, you will know, जब हम learning theories पढ़ेंगे, ये theory हमारी learning theories में भी आती है, जिसमें कि हम individuals को enforcement के through learning behaviors करवाते हैं, right? उनके behaviors को modify करवाते हैं, एक change लेकर के आते हैं उनके behavior में, right? From there only this theory has been evolved and counted in another form under the process theories of motivation, right? सो दिस वॉज ऑल फॉर द मोटिवेशन थ्योरीज. अगर आपने हम सारी पहली वीडियोज कवर नहीं करी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट. उसमें हमने कॉन्टेंट थ्योरीज को कवर किया है एंड जब मोटिवेशन थ्योरीज, ये बहुत कम लर्नर्स को पता होता है कि मोटिवेशन थ्योरीज हमारी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, दैट इज़ कॉन्टेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी. एंड उनको डिवाइड करने का बेसिस क्या होता है, हमारे बहुत कम लर्नर्स होते हैं कि वो भी जानते हैं, राइट. सो हम, दिस वॉज ऑल फॉर द प्रोसेस थ्योरीज. आई विल गिव अ क्विक रिवाइज टू ऑल द थ्योरीज. व्रोम विक्टर्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या था, हमने देखा था दैट हाउ एफर्ट्स आर लीडिंग टू आउटकम एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस इज टेकिंग टू द रिवॉर्ड एंड वैलियंस. वैलियंस इज द इमोशनल कोशेंट, इमोशनल वैल्यू अ पर्सन हैज टूवर्ड्स द रिवॉर्ड, राइट. एंड हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आता है, मोटिवेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी into instrumentality into valence, right? Remember this formula, this has been repetitively asked by NTU JSNET in both the papers management and commerce, right? Second आ जाता है मेरा Adams equity theory. Adams equity theory में हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, पहले तो input output को हम जज करते हैं हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, राइट, कि हमने जितने एफर्ट्स डाले और हमें जितना आउटपुट मिला क्या वो एक पैरिटी पर है, क्या वो इक्वल है, क्या वो जस्टिफाइड है, राइट. एंड अगर हमारा इंडिविजुअल लेवल पे हम सेटिस्फाइड होते हैं, बट मान लीजिए हमें पता चलता है कि हमारे कुलीग को हमसे ज़्यादा मिला है जबकि उसने कम, हमसे कम एफर्ट्स करे थे, यू विल फील not justified, you will feel that you have been, you know, unjust has been done, you will feel कि आपके साथ biasness हुआ है, आपके साथ partiality हुआ है, आपके साथ favoritism हुआ है, right? So this is the Adams equity theory. Then मेरा आ जाता है goal setting theory. Goal setting theory is very simple. हम क्या करते हैं, हम employees को के mind को इस तरीके से direct करते हैं that they start to work towards positively and start to work towards the objectives of the organization, right? And this is done through managers. Then हमारी आ जाती है reinforcement theory. Reinforcement theory में क्या होता है, हम जो desired behavior होते हैं उनको reinforce करते हैं ताकि objectives को achieve कर सके, and undesirable behaviors को, जैसे मैंने बात करा था कि यहाँ पे not meeting the deadlines on time, right? So जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ गो वॉच, हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल्सो कवर्ड फॉर ऑल द वीडियो मेनी टॉपिक्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स. हमने मीन, मीडियन, डिस्पर्शन, ऑल द स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग, हमने बहुत सारे टॉपिक्स करे हैं. अगर आपने अब तक वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चेक दम आउट वंस, एंड इफ़ यू लाइक, हिट अ लाइक बटन. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग.